Hi guys, hello everyone. अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू लैब वंस again विद मी स्वप्नल Agarwal. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लैब पर मेरे यानी स्वप्नल अगरवाल के साथ जो कि यहाँ पे आज आपको मैं आपकी रीजनिंग की मैंटोर आपकी रीजनिंग की एजुकेटर आपकी रीजनिंग की फैकल्टी जो भी आप बोलना चाहें आपकी रीजनिंग की टीचर आज आपको कराने वाली है रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक के बहुत अमेजिंग ट्रिक्स बहुत अमेजिंग क्वेश्चन सो क्या यहाँ पे जितने भी लोग आ गए हैं क्या सबको पहली चीज तो एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो अच्छे से क्लियर है पहली चीज तो एक बार इस चीज का जवाब दे दीजिए कि स्ट्रीमिंग में कोई इशू नहीं है सब कुछ अच्छे से क्लियर है ना स्ट्रीमिंग में कोई इशू नहीं है सब कुछ अच्छे से क्लियर है ना है ना सब कुछ अच्छे से क्लियर बहुत अच्छे से चलिए ओके जी ओके जी सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर है गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू चलिए शुरुआत करेंगे हम अपने आज के टॉपिक कैलेंडर के साथ तो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे एक दो भी नहीं कहूँगी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो लगातार एक ही चीज़ बोले जा रहे थे कि मैम प्लीज़ कैलेंडर रिवाइज करा दीजिए मैम प्लीज़ कैलेंडर रिवाइज़ करा दीजिए मैम कुछ ऐसा बता दीजिए कि आखिरी के हमारे तीन दिन चार दिन में हम कैलेंडर का कंप्लीट रिविजन कर लें एक ही क्लास में कोई मैम एक ऐसी क्लास लेके चले आई है जिसमें हम सारे टाइप के कैलेंडर के क्वेश्चन कर ले तो भाई आज आपकी वो क्लास हो गई है आज आपकी वो क्लास हो चुकी है आज यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं लेके आई हूँ कैलेंडर की अमेजिंग ट्रिक्स कैलेंडर की अमेजिंग सी क्लास जहाँ पे आप एग्जैक्टली exactly एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन देखोगे और सॉल्व करोगे यहाँ पे मैं वही क्वेश्चंस आपको कराऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं मैं एग्जाम की बात करूं तो जो आपके सी जी एल वो क्वेश्चन जो कि आपके सी जी एल दो हजार बाईस सी जी एल दो हजार इक्कीस और सी एच एस एल दो हजार बाईस में पूछे गए हैं मैं यहां पे सिर्फ आपके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस आपको यहां पे कराने वाली हूं आज सिर्फ वो क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और सिर्फ वो क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है न्यू बैच है मैम बिल्कुल न्यू बैच है रोशन आप हमारे सपोर्ट के नंबर पे कॉल कर सकते हैं पूछ सकते हैं न्यू बैच के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आप हमारे सपोर्ट के नंबर से कॉल करके पूछ सकते हैं आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं इस बेहतरीन से टॉपिक को सीजीएल दो हजार बाईस दो हजार इक्कीस एंड दो सी एच एस एल दो हजार इक्कीस के कैलेंडर के क्वेश्चन को तो अगर मैं बात करूँ आपके एग्जाम की अगर मैं बात करूँ आपके एग्जाम की कि आपके एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं तो चालीस शिफ्ट में से मैं आपको एक और चीज बता दू कि सीजीएल 2022 में से चालीस शिफ्ट में से सिर्फ और सिर्फ तीन शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए आपके ओनली थ्री क्वेश्चन ओनली थ्री क्वेश्चन इन फोर्टी शिफ्ट अब आप समझो एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन भी नहीं मैं बोलूं बहुत कम बहुत कम है मतलब इसकी पॉसिबिलिटी आने की आपके पेपर में बहुत कम पॉसिबिलिटी है आपकी आने की इस पे इसको लेकिन नंबर कहां मिलेगा रोशन बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ा है प्लीज बार बार इंटरप्ट मत करिए लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक से डर लगता है तो आइए चलिए शुरुआत करेंगे इस टॉपिक के साथ टाइप थ्री टाइप वन टाइप टू एंड टाइप थ्री के सवाल आपके पूछे जाते हैं टाइप वन आपका होता है जहां पर आपको टोटल डेज दिए होते हैं टोटल डेज दिए होते हैं आपको जैसे बोला गया कि आज हमारा मंडे है और मंडे को अगर 10 तारीख है आज मंडे आज 10 जुलाई को मंडे है क्या बोला सपोज आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि बेटा अगर 10 जुलाई को मंडे है तो 87 डेज बाद कौन सा दिन पड़ेगा आपसे एक तरीके का ये क्वेश्चन आता है जो आपको टोटल डेज दिए होते हैं एक आपका सवाल आता है जहाँ पे आपको ये डेट दे दी जाती है कि दस जुलाई को अगर मंडे है तो उन्नीस दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे आपको टोटल डेज कैलकुलेट करने होते हैं फिर एक हमारा टॉपिक आता है जैसे पूछ लेगा दस जुलाई दो हजार तेईस को क्या पढ़ेगा अब यहां पे इसने क्या किया इसने एक रेफरेंस के लिए डेट दे दी 10 जुलाई दो दस जुलाई एक रेफरेंस के लिए डेट दे दी फिर बताया 87 दिन बाद तो आपने निकाल लिया यहां पे भी रेफरेंस के लिए एक डेट दी लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे आपके रेफरेंस के लिए कोई डेट नहीं दी होती है आपके एग्जाम में एग्जामिनर ने तीन सवाल पूछे थे और तीनों सवाल तीनों अलग अलग टाइप के थे तीनों सवाल आपके तीनों अलग अलग टाइप के थे ठीक है अब हम चलते हैं आइए इन टाइप के क्वेश्चंस के साथ इन टाइप के क्वेश्चंस के साथ चलते हैं तो मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि यहां पे कैलेंडर का आपके एग्जाम के लिए ये बेस्ट रिवीजन क्लास है पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक क्लास में ये थियोरिटिकल क्लास नहीं एक रिवीजन क्लास है तो आइए चलिए शुरू करते हैं चाहे टोटल डेज दिए हो चाहे तो आपको टोटल डेज दी हो तब आपको बताना हो कौन सा दिन पड़ेगा चाहे आपको दो डेट दी हो तब बताना हो या चाहे आपको डायरेक्ट डेट दी हो तब बताना हो आपके दिमाग में एक ये तीनों के साथ ही सिर्फ एक कॉन्सेप्ट चलता है सिर्फ एक कॉन्सेप्ट चलता है हमारा ऑड डेज का ऑट डेज या फिर एक्स्ट्रा डेज ऑट डेज या फिर एक्स्ट्रा डेज का कॉन्सेप्ट चलता है यह कॉन्सेप्ट क्या कहता है यह कॉन्सेप्ट कहता है ऑट डेज निकालने का तरीका क्या होता है ऑट डेज निकालने का तरीका होता है ऑट डेज बराबर टोटल डेज ऑट डेज बराबर टोटल डेज अपॉन सेवन और जो रिमाइंडर बचता है वो होता है हमारा ऑट डेज जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला इस क्वेश्चन में बोला, आज अगर मंडे है तो 87 डेज़ बाद कौन सा दिन पड़ेगा अगर इस क्वेश्चन में जैसे बोला कि 10 जुलाई को अगर मंडे है तो 87 सेवन डेज बाद कौन सा दिन पड़ेगा तो हमें क्या करना था हमें ऑट डेज निकालना था ऑट डेज बराबर टोटल डेज अपॉन सेवन और फिर उसका रिमाइंडर तो आइए 87 को 7 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर निकालते हैं सेवन वन 7, 7 यहाँ पे बचा हमारे पास 17 सेवन टू 14 रिमाइंडर बचा हमारे पास थ्री हमारे पास ऑट डेज कितने आ गए थ्री ऑट डेज आ गए हमारे पास थ्री हमें रिमाइंडर लेना होता है अब क्या करेंगे थ्री आ गया लेकिन हमें कैसे पता चलेगा एट्टी सेवन डेज बाद कौन सा दिन है तो हमने देखा आज हमारे पास क्या था मंडे आज हमारे पास मंडे था तो 87 डेज बाद कौन सा दिन पड़ेगा 87 डेज बाद है ना तो प्लस करेंगे मंडे प्लस थ्री यानी कि ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे कौन सा दिन पड़ेगा थर्सडे पड़ेगा कौन सा दिन पड़ेगा थर्सडे पड़ेगा ठीक है कौन सा दिन थर्सडे पड़ेगा ठीक है सेवन से डिवाइड करते हैं क्योंकि seven, क्यों क्योंकि एक साल में कितने हफ्ते सॉरी एक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं सात इसलिए हम सेवन से डिवाइड करते हैं हमारा कौन सा दिन पड़ेगा अगर पूछता है एट्टी सेवन डेज पहले कौन सा दिन पड़ा होगा एट्टी सेवन डेज पहले तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं यहाँ पे हम माइनस करते हैं ठीक है ठीक है अगर पहले पूछा है तो माइनस बाद में पूछा है तो प्लस ये सबसे आसान टाइप का सवाल होता है आपका जब आपसे पूछ लिया जाता है टोटल और डेज जब आपको टोटल ऑट डेज दे दिया टोटल डेज दे दिया जाता है तो आप ऑट डेज निकाल के आंसर कर देते हैं हमारा आंसर आ जाएगा थर्सडे ठीक है सेवन से डिवाइड करने का रीजन बता दिया आप लोगों को अब देखिए ऑट डेज अगर मैं बताऊं ऑट डेज एक साल में कितने होते हैं साल आपका जो ईयर होता है ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक साल आपका दो तरीके का होता है या तो होता है आपका नॉर्मल ईयर या तो होता है लीप ईयर लीप ईयर वो साल होता है जिसमें फरवरी होती है अट्ठाईस सॉरी उन्तीस दिन की और नॉर्मल ईयर में आपकी फरवरी होती है अट्ठाईस दिन की ठीक है अब नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में एक ये डिफरेंस है दूसरा डिफरेंस ये है कि नॉर्मल ईयर होता है आपका तीन सौ पैंसठ दिन का लीप ईयर होता है आपका तीन सौ छाछठ दिन का ठीक है पहला डिफरेंस ये कि फरवरी अट्ठाईस दिन की यहाँ पे दूसरा डिफरेंस ये कि तीन सौ पैंसठ दिन तीन सौ छाछठ दिन और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपके कैलेंडर के एग्जाम के लिए एग्जाम में कैलेंडर के लिए कि यहाँ पे ऑड डेज होते हैं वन और यहां पे हमारे ऑट डेज होते हैं टू ऑट डेज वन होते हैं और ऑट डेज होते हैं टू जैसे कि कैसे निकाला मैंने देख लीजिए भाई तीन सौ पैंसठ को मैंने क्या बताया टोटल डेज अपॉन सेवन एंड रिमाइंडर सेवन फाइव झा थर्टी फाइव कितना बचा पंद्रह सेवन टू जा फोर्टीन रिमाइंडर कितना बचा वन तो एक्स्ट्रा डेज या फिर ऑट डेज हमारे कितने आ गए वन यही सेम चीज अगर हम तीन सौ छाछठ किसान कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा सेवन फाइव 35 थर्टी फाइव और बचा हमारे पास सोलह सेवन टू जा फोर्टीन रिमाइंडर बचा हमारे पास दो तो हमने क्या बोला और डेज या फिर एक्स्ट्रा डेज कितने आ गए हमारे पास दो तो ये चीज याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट को कैसे हम करेंगे जैसे कि मैंने बोला जैसे कि आज दस जुलाई दो या मैं बताऊं सपोज दस जून 95 को अगर सैटरडे था ठीक है या 1994 को अगर सैटरडे था 10 जून 1994 को अगर सैटरडे था तो पूछा जाएगा 10 जून अगर पूछ लिया गया 1995 को कौन सा दिन पड़ेगा अब देखो कितने का डिफरेंस आया डिफरेंस आया आपके पास एक साल का भैया 94 से हम 95 आ रहे हैं कितने का डिफरेंस है एक साल का अब एक साल में आपको देखना है कि क्या लीप ईयर है 94 आपका लीप ईयर है क्या लीप ईयर वो साल होता है लीप ईयर वो साल होता है जिसकी आखिरी के दो डिजिट्स हम डिवाइड करते हैं चार से जैसे 1994 है ना तो आखिरी के दो डिजिट्स चार से डिवाइड करके देखो हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे तो लीप ईयर नहीं है लीप ईयर नहीं है तो लीप ईयर नहीं है तो कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे जस्ट वन एक्स्ट्रा डे तो एक साल बाद पूछा है तो प्लस वन करेंगे नाइन्टी में कौन सा दिन होगा नाइन्टी में रहा होगा संडे फिर हम देखेंगे अगर हमने यहां पर पूछ लिया इसके बाद कि दस जून 1996 को कौन सा दिन होगा बताइए 10 जून 1996 को कौन सा दिन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को बता रही हूं जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 10 जून 1996 को कौन सा दिन होगा आप कहोगे मैम फिर से एक साल का गैप है फिर से प्लस वन करेंगे नहीं यहां पे हम प्लस टू करेंगे क्यों प्लस टू करेंगे समझना हम चले जून से समझना जून जुलाई अगस्त सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और हमारा नाइन्टी खत्म फिर लगा जनवरी कौन सा साल 96 फरवरी मार्च अप्रैल मे एंड जून हमें ये सब 96 साल लग गए आप देखो ये हमारा लीप ईयर है क्या 95 फाइव क्या हमारा लीप ईयर है नहीं लेकिन बेटा 96 तो हमारा लीप ईयर है और 96 में लीप ईयर में हमें जाना है जुलाई जून तक हमें जून तक जाना है यानी कि फरवरी में उनतीस दिन आ चुके हैं फरवरी के 29 दिन आ चुके हैं और फरवरी के 29 दिन आ चुके हैं यानी कि हम लोगों ने फरवरी के बाद पड़ रहा है ये महीना तो हमारे पास दो एक्स्ट्रा डेज हो गए ना तो संडे में दो ऐड करेंगे आंसर कितना आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा ट्यूजडे तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दो टाइप्स कराए एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दो तरीके क्वेश्चन करा दिए कि नॉर्मल ईयर में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो प्लस वन करेंगे लीप ईयर में आगे बढ़ेंगे तो प्लस टू करेंगे बस इतना हमें ध्यान देना होगा कि फरवरी इंक्लूड हो रहा है कि नहीं यहीं पर अगर हम एक यहीं पर अगर हम दस जून ना लेके दस जनवरी लेते अगर हम 10 जून ना लेके 10 जनवरी लेते ना बेटा तो अब समझना 95 1995 है ना 1995 के बाद जून के बाद आपका क्या क्या आ जाएगा जुलाई जून के बाद आ जाएगा आपका जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी जनवरी तक दस जनवरी आएगा इस, में, इस केस में हमारा फरवरी इंक्लूड नहीं हुआ है इस केस में फरवरी इंक्लूड नहीं हुआ है हमारा ठीक है तो जब फरवरी इंक्लूड होगा सिर्फ तभी दो ऐड करेंगे फरवरी इंक्लूड नहीं होगा तो सिर्फ प्लस वन करेंगे फरवरी इंक्लूड नहीं होगा तो सिर्फ प्लस वन करेंगे एक चीज ये समझिएगा ठीक है ये हो गया आपका एक कॉन्सेप्ट ये आपका एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया ठीक है और डेज का जब डायरेक्ट आपको टोटल डेज दे रखे होते हैं तब अब दूसरा आपका टाइप वन मैंने आपको ये बता दिया टाइप वन ये बताया टाइप टू पे आते हैं अब आते हैं हम टाइप टू पे आज आते हैं टाइप टू पे टाइप टू जैसे कि क्वेश्चन में इसने बोला जैसे कि मैंने आपको बोला था ना अभी 10 जुलाई को अगर मंडे है तो 19 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा अब इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 10 जुलाई को अगर मंडे है तो 19 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा याद रखो हमेशा ऑड डेज ऑड डेज का फॉर्मूला क्या होता है टोटल डेज अपॉन सेवन उसका रिमाइंडर याद रखो एक कॉन्सेप्ट हमेशा ऑड डेज से आएगा आंसर ऑड डेज क्या होता है टोटल अपॉन सेवन एंड देन उसका रिमाइंडर है ना ये लेना है आपको टोटल अपॉन सेवन तो अब 10 जुलाई से लेके 19 दिसंबर के बीच में कितने टोटल दिन हैं ये निकालना पड़ेगा जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में 87 सेवन डेज बोल दिया गया तो एक स्टेप कम था अब यहां पे एक स्टेप और बढ़ गया कैसे निकालते हैं ये भी आइए देखते हैं आइए देखते हैं जुलाई जुलाई में हमारे पास कितने दिन होते हैं जुलाई का जो महीना है उसमें होता है हमारे पास इकतीस दिन बेटा इकतीस में से दस तो चले गए ना दस जुलाई लिया ना दस दिन चले गए बचे कितने बचे कितने बचे हमारे पास इक्कीस दिन ठीक जुलाई के बाद अगस्त पूरा सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर दिसंबर में हमें कहाँ तक जाना था दिसंबर में हमें जाना था 19 तक तो दिसंबर के सिर्फ 19 दिन अगस्त पूरा 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर ये हमारे पास टोटल डेज है पास दो तरीके होते हैं, दो तरीके। पहला तरीका कि इन ऐड कर दीजिए सबको ऐड कर दीजिए नौ एक दस एक ग्यारह एक बारह दस ग्यारह तीन तीन 9, तीन बारह तेरह चौदह पंद्रह और एक सोलह एक सौ बासठ दिन इसको सात से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं तो एक सौ बासठ को सेवन से डिवाइड करते हैं सेवन टू झा फोर्टीन और यहां पर वन बचा रिमाइंडर तो अगर हमारे पास 10 जून को मंडे 10 जुलाई को मंडे है तो हम इसमें वन ऐड करेंगे तो 19 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा मंडे प्लस वन दैट इज ट्यूजडे 19 दिसंबर को क्या पड़ेगा मंडे प्लस वन दैट इज ट्यूजडे ठीक है मेरा कोर्स परचेज करना है कहाँ से करें सुरजीत कोर्स परचेज करने के लिए आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन में एक नंबर दिया है सपोर्ट का स्टूडेंट सपोर्ट नंबर उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आपको कोर्स रिलेटेड सारी इंक्वायरी जितनी भी आप वहीं पे कर लीजिएगा ठीक है पहला तरीका ये होता है कि इन सबको ऐड करके हमने तब डिवाइड किया सेवन से दूसरा तरीका ये होता है कि सेवन से डिवाइड कर दे पहले क्योंकि तो नंबर्स बड़े होते हैं हम से पहले डिवाइड कर लेते हैं कभी कभी इसको सेवन से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा जीरो सेवन से डिवाइड करेंगे सेवन वनजा सेवन टू ज सात सात चौके अट्ठाइस रिमाइंडर कितना बचा तीन फिर सात चौके अट्ठाइस रिमाइंडर बचा दो फिर सात चौके अट्ठाइस तीन सात चौके अट्ठाइस रिमाइंडर बचा दो और यहां पे सेवन वनजा सेवन तेरह तो uh, और दो मिलके हो गए पंद्रह फिर वही चीज अब पंद्रह को सात से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए सेवन टूजा फोर्टीन रिमाइंडर आया वन फिर से हमने क्या किया हम मंडे में वन ऐड कर दिया हमारा आंसर आ जाएगा ट्यूजडे मंडे में वन ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा ट्यूसडे तो हम लोगों को कभी कभी टोटल डेज दे, दे देंगे कभी कभी टोटल डेज निकालने होंगे और अब आता है सबसे खतरनाक टाइप का सवाल ठीक है अब आता है सबसे खतरनाक टाइप का सवाल आपको मेरा बैच कहाँ मिलेगा सचिदाधन मेहरा बच्चे जो नंबर दे रखा है उस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए आपको सारी बैच रिलेटेड इंक्वायरी जो भी है आप उस बैच पर उस नंबर पर कॉल करके कर सकते हैं ठीक है ये हो गया आपका टाइप टू का सवाल अब आता है टाइप थ्री अब आता है हमारा टाइप फाइंड द डे ऑफ अ वीक यूजिंग द गिवन डेट फाइंडिंग द डे ऑफ अ वीक यूजिंग द गिवन डेट यानी कि जो डेट दे रखी है उसके हिसाब से जैसे कि आज हमने देखी, आज हमने डेट डेट देखी हमारी क्या है किस जुलाई आइए आज ही का निकालते हैं हम सब जानते हैं कि आज मंडे है हम सब जानते हैं कि आज मंडे आज डेट क्या है दस जुलाई दो हजार तेईस अब देखिए मैंने क्या कहा सारी चीजें चलती हैं ऑड डेज के कॉन्सेप्ट अब आप कहोगे मैम ऑड डेज यहां पे कहां है बिल्कुल नहीं है यहाँ पे ऑड डेज नहीं है यहाँ पे ऑड डेज हमें निकालने पड़ते हैं कोड से कोड से निकालने पड़ते हैं देखो ये आपके पास डेट है दस जुलाई दो हजार तेईस दस अलग है डेट है आपकी जुलाई आपका महीना है 2023। 2023 दो हजार तेईस दो हजार तेईस जो है ना ये क्या है पता है ट्वेंटी सेंचुरी है और ट्वेंटी सेंचुरी का ट्वेंटी ईयर है ट्वेंटी सेंचुरी है ट्वेंटी ईयर है ठीक है तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी डेट डिवाइडेड है तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है डेट लिखना हमें चाहिए ऑड डेज जो कि होता है एक नंबर तो हमें इन सब को नंबर में कन्वर्ट करना है सब को नंबर में कन्वर्ट करना है तो डेट एज इट इज लिख देंगे दस डेट हम एज इट इज लिख देंगे दस फिर आता है मंथ अब कुछ लोग कहते हैं है मैम मंथ हमारा है जुलाई तो क्या हम मंथ लिखेंगे डायरेक्टली नहीं जुलाई हमारा मंथ है तो जुलाई हमारा सेवंथ मंथ है ये नहीं लिखेंगे मंथ के अलग से कोड्स होते हैं मंथ के अलग से क्या कोड होते हैं मंथ के कोड होते हैं ये मंथ का कोड होता है हमारा ये वन फोर फोर जीरो टू फाइव जीरो थ्री सिक्स एंड वन फोर सिक्स ये होता है हमारा कोड वन फोर फोर जीरो टू फाइव जीरो थ्री सिक्स ये होता है हमारा कोड ठीक है अब आप कहोगे मैम ये कैसे याद करें बता दे रही हूं आपको ये हमारा कोड होता है जनवरी फेबर मार्च अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर का इसको मैंने तीन तीन के फॉर्म में पार्ट में पता है क्यों लिखा है देखो बारह का स्क्वायर ठीक पांच का स्क्वायर ठीक छ का स्क्वायर एंड वन फोर्टी सिक्स बस आपको वन फोर्टी सिक्स याद करना है बारह पांच छे का स्क्वायर एंड देन वन फोर्टी सिक्स वन फोर फोर जीरो टू फाइव जीरो थ्री सिक्स वन फोर सिक्स आपको मिल जाएंगे सारे मंथ के कोड ये है जब हमारा ऑर्डनरी ईयर है नॉर्मल ईयर है तो यहीं पे जब हमारा लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में कोड में बस एक चेंज होता है कि लीप ईयर जो होता है ना हमारा वो जनवरी से फरवरी मतलब लीप ईयर में चेंज कहाँ होता है फरवरी में होता है तो फरवरी तक के कोड चेंज होते हैं सिर्फ जनवरी और फरवरी बाकी सारे कोड आपके सेम रहेंगे बस जनवरी का कोड जीरो और फरवरी का कोड तीन हो जाएगा यानी कि इन दोनों में से माइनस वन कर देंगे तो वन फोर फोर जीरो टू फाइव जीरो थ्री सिक्स वन फोर सिक्स क्या हो जाता है जीरो थ्री फोर जीरो टू फाइव जीरो थ्री सिक्स वन फोर सिक्स ये हो जाता है हमारा ठीक है क्लियर है यह चीज क्लियर है तो मंथ का कोड हमें क्या मिल गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जुलाई का कोड है आपके पास जीरो जुलाई का कोड है हमारे पास जीरो चलिए मंथ का कोड हमें मिल गया जीरो ठीक है फिर आ जाते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बेटा ट्वेंटियथ सेंचुरी फिर हम लिखते हैं सेंचुरी का कोड सेंचुरी का कोड अब देखो बीसवीं सेंचुरी में ट्वेंटी सेंचुरी यानी कि इतने में 2000 में कितने और डेज होते हैं कैसे याद करोगे निकालोगे क्या बैठ के या फिर 1900 हंड्रेड सेंचुरी में कितने और डेज होते हैं निकालोगे बैठ के नहीं इसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक है टेक्निक है ट्रिक है याद कर लो ट्वेंटियथ एंड नाइनटीन सेंचुरी वैसे दो ही पूछता है आपके एग्जाम में एटीन सेंचुरी बहुत कम पूछता कभी नहीं पूछता है ट्वेंटियथ सेंचुरी में होते है, 20th century century होता है उस ट्वेंटियथ सेंचुरी का कोड छः नाइनटीन सेंचुरी का कोड होता है जीरो ये कोड है हमारे पास 20th सेंचुरी का कोड 6 19th सेंचुरी का कोड होता है जीरो तो 20th सेंचुरी का कोड हमने लिख दिया 6 ठीक है यहाँ पे हो गया हमारे पास 10 जुलाई 20th सेंचुरी भी हो गया बात है 23 साल 23 साल में कितने ऑड डेज होंगे हर साल में एक ऑड डे तो होगा ना कम से कम समझना 23 साल है ना 23 साल में हर साल में एक ऑड डे यानी कि 23 ऑड डे तो होंगे ही फिर इनमें से कुछ लीप ईयर भी होंगे इनमें से कुछ लीप ईयर भी होंगे मैनुअली कैलकुलेट करोगे तो 2000 के बाद 2000 शेयर हो गए दो हजार दो फिर है ना करते रहोगे 2004 2008, 2008 2012 000, 2016 2020 कितने और डेज आए 20 के बाद तेईसवा चल रहा है ना तो हम ये और डेज तो ये तो हम लेंगे नहीं यहां तेईस साल थे तो हमने टोटल यहां लीप ईयर निकाल लिए दिए लीपियर निकाल लिए हमने देखो यार ईयर आपके दो टाइप के होते हैं बताया ना नॉर्मल एंड लीप नॉर्मल ईयर में होते हैं वन एक्स्ट्रा डे लीप ईयर में होते हैं दो एक्स्ट्रा डे तो अब यहाँ पे हमारे पास इसमें से तेईस के तेईस हमारे ऑड डेज मिल रहे हैं ठीक है इन तेईस ऑड डेज में जो है हमारे तेईस साल जो है इनमें कुछ साल हमारे लीप ईयर भी होंगे तो उसके लिए क्या करते हैं चार से डिवाइड करते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं फोर फाइव जे ट्वेंटी रिमाइंडर क्या रहा है इससे कोई मतलब नहीं है ये किया क्यों तेईस साल में कितने लीप ईयर थे 2000 से लेकर 2023 तक कितने लीपियर थे वो चाहे तो हम मैनुअली भी निकाल सकते थे लेकिन 2023 था तो निकाल लेंगे यहीं पे 2098 होता 96 होता तो निकाल पाते क्या नहीं इसीलिए चार से भाग क्वेश्चन पार्ट लिख लेंगे चार से भाग देकर क्वेश्चन पार्ट लिख लेंगे क्वेश्चन पार्ट हमारा था पांच है ना क्या किया हमने पहले तो डायरेक्टली ईयर लिख दिया ट्वेंटी फिर उसके बाद 23 यानी कि ईयर को चार से भाग देके क्वेश्चन पार्ट लिखा क्या लिखा फोर फाइव ट्वेंटी कर दिया अब इन सबको ऐड कर लीजिए अब इन सबको ऐड कर लीजिए पाँच तीन आठ आठ और छः मिलके हो गए चौदह ठीक एक दो और दो मिलके हो गए चार फोर्टी फोर फोर्टी फोर को हम सेवन से डिवाइड कर रहे हैं ठीक है फोर्टी फोर को हम सेवन से डिवाइड कर रहे हैं इसके बाद अब रिमाइंडर निकालेंगे रिमाइंडर कितना आया सेवन सिक्सा फोर्टी टू रिमाइंडर आया हमारे पास दो आप कहोगे मैम दो रिमाइंडर तो आ गया आप कहोगे मैम दो रिमाइंडर तो आ गया लेकिन दो का मतलब क्या है वहां पर रिमाइंडर आ रहा था वो हम प्रीवियस डेट में ऐड कर दे रहे थे यहाँ पे दो का मतलब क्या है ये समझ लीजिए एग्जामिनर कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरा हफ्ता शुरू होता है संडे से संडे मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड लास्ट दिन होता है सैटरडे हाँ एग्जामिनर के हिसाब से संडे होता है पहला दिन ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा ये छठा और ये जब रिमाइंडर जीरो आएगा तो हमारा सैटरडे आंसर होता है ठीक है तो हमारा रिमाइंडर कितना आया रिमाइंडर आया हमारे पास दो बोले तो मंडे तो उस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से जो हमने निकाला कि दो का मतलब था मंडे तो क्वेश्चन के हिसाब से दस जुलाई दो यानी कि आज के दिन मंडे होना चाहिए क्या आज के दिन मंडे है बताइए क्या आज के दिन मंडे है है ना आज के दिन मंडे बस मंडे इज द राइट आंसर मंडे इज द राइट आंसर हमने कैसे निकाला ये हमने ट्रिक से भी निकाला और ये हमें पता भी है क्लियर है तो यहाँ पे तीन टाइप के सवाल आपको मैंने बताए तीन टाइप के क्वेश्चन और यही तीन टाइप के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं और यही तीन टाइप के सवाल आपके पेपर में पूछे गए भी थे ये भी मैं बता दूं यही तीन टाइप के सवाल आपके पेपर में पूछे गए भी थे अब आइए देखते हैं सीजीएल 2022 में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे सीजीएल 2022 में कैलेंडर के क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझे एक बार बताओ सब लोग अब सब लोग यहां पे बता दोगे ना अब अगर मैं किसी से भी बोलूंगी कि इस इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा तो सब लोग बता लोगे कि नहीं बता लोगे बताइए स्टडी लैब एप्लीकेशन से परचेस करना है आपको सचिता मेहरा ठीक है स्टडी लैब एप्लीकेशन से परचेस चलिए अभी कॉन्सेप्ट आपको लंबा लग रहा है बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बहुत इजी अभी मैंने देर देर से समझाया ना धीरे धीरे इसे लंबा लग रहा होगा आपको चलिए आइए क्लियर है बढ़िया बहुत अच्छे से अब हम करेंगे क्वेश्चन अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो अब आप लोग को क्वेश्चन जब करोगे ना तब समझ में आएगा कि ये मेथड आपका शॉर्ट और मैं एक चीज और बता दूं डायरेक्ट डेट का कॉन्सेप्ट जो है आ, आपका सीजल 2022 में सिर्फ तीन सवाल आए थे क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री तो सबसे आसान ये सवाल था अगर आज फ्राइडे है तो पचपन दिन बाद कौन सा दिन होगा अगर आज फ्राइडे है तो पचपन दिन बाद कौन सा दिन होगा अगर आज फ्राइडे है तो पचपन दिन बाद कौन सा दिन होगा ये बताइए क्विकली आज फ्राइडे तो 55 डेज बाद बहुत आसान सवाल सबसे आसान सवाल एक्चुअली में 55 को 7 से डिवाइड करेंगे और रिमेन और डेज निकालना है हमें और डेज निकालना है यानी कि सात से भाग देकर रिमाइंडर निकालेंगे सेवन एट जॉ फिफ्टी सिक्स कोई बात नहीं सेवन सेवन जॉ फोर्टी नाइन रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास छः तो हम फ्राइडे में छः ऐड करेंगे फ्राइडे में छः ऐड करेंगे आंसर आएगा थर्सडे ऑप्शन नंबर सी थर्सडे इज द राइट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी थर्सडे हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी थर्सडे इज द राइट आंसर मैम रीजनिंग में 42 आ रहे हैं आपको रीजनिंग में 42 आ रहे हैं कोशिश करिए इंक्रीज करके इसका जो आपका स्कोर है वो 48 के अराउंड जाए 46 प्लस जाए ठीक फोर्टी सिक्स प्लस रहे चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखते हैं अब देखिएगा में, में तीन सवाल आए और तीन में से दो सवाल आपके डायरेक्ट डेट पर आए हैं देखिएगा वर्ड डे ऑफ द वीक विल बी ऑन फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी थर्टी थ्री दो हजार तैतीस फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी थर्टी थ्री में कौन सा दिन होगा चलिए बताइए बताएंगे एक बार फर्स्ट जनवरी दो हजार तैतीस सब लोग बताएंगे सब लोग करेंगे सबको करने के लिए मैं पंद्रह बीस सेकेंड का समय दे रही हूं बस उससे ज्यादा नहीं कोड्स याद रखिएगा मंथ के याद रखने सेंचुरी का तो पता है ट्वेंटी सेंचुरी का कोड छः होता है बाकी स्टेप्स भी देख लीजिएगा ध्यान से सब लोग करिए अच्छे से करिएगा सब लोग आइए देखते हैं फर्स्ट जनवरी 2033 अगर कोई आपसे कभी बोल दे कि जैसे आज बरखा मैम मेरे से पूछ रही हैं कि नेक्स्ट टाइम बर्थडे मेरा कब पड़ेगा मैंने कहा वेंसडे ईजी था मेरे लिए बताना क्योंकि मुझे पता है मुझे कैलेंडर की ट्रिक्स आती हैं ट्रिक्स आती हैं तो उन ट्रिक्स से आप दूसरों को भी ट्रिक कर सकते हो ठीक है संडे कोई कह रहा है कोई कह रहा है सैटरडे होगा आंसर आइए देखते हैं एक जनवरी अब देखिए आंसर कितनी जल्दी आया दो मैंने क्या कहा इसको कैसे लिखना है सबसे पहले हमने लिख ली डेट डेट लिख लिया सबसे पहले वन ठीक है डेट लिख ली वन फिर मंथ का कोड मंथ का कोड क्या है जनवरी भाई सिंपल सबसे आसान वन फोर फोर जीरो टू फाइव जीरो सबसे पहले जनवरी का महीना था वन ना सबसे पहले जनवरी का महीना था वन तो हमने यहां पे क्या कर दिया वन लिख दिया ठीक है जनवरी का महीना था वन ठीक है तो जनवरी के महीने में हमने लिख दिया वन चलो और लिख दिया मंथ का कोड हो गया हमारा वन डेट हो गई ये हो गया फिर आता है हमारा सेंचुरी फिर आती सेंचुरी सेंचुरी का कोड क्या है ट्वेंटी सेंचुरी का कोड है छः, फिर आता है हमारा ईयर एज इट इज लिख दो फिर आता है हमारा ईयर ईयर क्या है तैतीस फिर ईयर को यानी कि तैतीस को चार से डिवाइड करके और क्वेश्चन पार्ट रिमाइंडर यहाँ यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है ठीक है फोर को थर्टी थ्री से डिवाइड करके क्वेश्चन पार्ट फोर एट थर्टी टू होता है रिमाइंडर क्या आ रहा है कोई मतलब नहीं ऊपर आ रहा है आठ तो हमने यहाँ पे आठ लिख दिया अब फिर से वही तरीका या तो ऐड करके सब निकाल लीजिए या तो अलग अलग से निकाल लीजिए मैं प्रीफर करती हूँ अलग अलग से निकालना ये सेवन से डिवाइड होगा नहीं यहाँ पे वन आएगा यहाँ पे आपका सिक्स आएगा ये सेवन से डिवाइड करेंगे सेवन फोरजा ट्वेंटी एट अट्ठाइस अट्ठाईस और पाँच बचेगा आपका रिमाइंडर और यहाँ पे आपका सेवन से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा वन ऐड कर लीजिए छः और पाँच ग्यारह बारह तेरह और चौदह चौदह आया चौदह को सात से भाग देंगे रिमाइंडर बचेगा ज़ीरो जीरो रिमाइंडर बोले तो सैटरडे ज़ीरो रिमाइंडर तो बोले तो सैटरडे अब हमें यह क्वेश्चन में हमारा जवाब सही है कि नहीं इसके लिए हम देखेंगे नेट पर हम एक बार चेक करेंगे कंफर्म मैं मतलब मुझे तो पता है कि सही है लेकिन हम फिर भी एक बार कंफर्म करेंगे नेट पे तो मैं यहां पे सर्च करने जा रही हूं एक जनवरी एक जनवरी 2033 हजार तैतीस डे फर्स्ट जनवरी 2033 हजार तैतीस डे हे सिरी हे सिरी हे सिरी वॉट विल बी द डे ऑन फर्स्ट जनवरी 2033 थर्टी थ्री सैटरडे इट्स सैटरडे इट्स सैटरडे ठीक है सैटरडे होगा सैटरडे होगा आंसर आपका तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे थे हमारा आंसर संडे होगा बच्चे आंसर होगा सैटरडे आंसर विल बी सैटरडे राइट चलिए क्लियर है सैटरडे हो गए आंसर बस अब इसी कॉन्सेप्ट के संग हमें आगे चलना है इसी कॉन्सेप्ट के संग सीजल दो हजार बाईस का एक और सवाल करना है छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ चौरानबे छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ चौरानवे सॉरी सीरी ढिंड जिंदा है चलिए 26 जनवरी उन्नीस सौ चौरानवे अब तो आसान होगा करना ये तो आसान होगा करना 26 जनवरी 1900 गलत हो गया कोई बात नहीं कहां पे गलत हुआ ये देखो जीरो तो संडे होता है नो शिवांगी यही तो गड़बड़ी करी आपने आपको याद है ना मैंने क्या बताया था आपको आपको याद है ना मैंने बताया था कि जिसको भी निकालना है देखो जिसको भी कंफ्यूजन है ना वो एक चीज देख लीजिए हमारे हिसाब से मंडे होता है हफ्ते का पहला दिन एग्जामिनर कहता है कि हम तुमसे एक हाथ आगे चलते हैं यानी कि हम संडे को पहला दिन मानेंगे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे एक दो तीन चार पाँच छः सात से डिवाइड करेंगे तो सात तो रिमाइंडर आएगा नहीं रिमाइंडर जीरो आएगा तो जीरो इज फॉर सैटरडे जीरो इज फॉर सैटरडे ठीक है चलिए आइए देखें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था छब्बीस नवंबर नाइनटीन 26 नवंबर 1994 तनु एंड शिवांगी सबको जिसको भी यह कन्फ्यूजन था कि जीरो पे सैटरडे होता है नो जीरो पे पेटर देखो मेरे जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग में बता रही हूँ आपने अलग कहीं और पढ़ रखा है मुझसे कहीं और पढ़ रहे हैं दोनों ट्रिक को मिलाइएगा नहीं मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग में बता रही हूँ जीरो को आपका जीरो आपका सैटरडे होता है यस जीरो आपका सैटरडे होता है ठीक है हाँ, राधे राधे सोनू चलिए आइए देखते हैं ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन 26 नवंबर 1994 यह है आपका सबसे पहले आप क्या लिखते हो डेट मैंने क्या कहा सबसे पहले हमने डेट लिख दी डेट हो है हमारी 26 फिर लिख दिया हमने मंथ का कोड मंथ है हमारा नवंबर नवंबर कौन सा होता है दिसंबर से जस्ट पहले आता है आखिरी हमने क्या पढ़ा था वन फोर सिक्स लास्ट का याद है ना वन फोर सिक्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर नवंबर का कोड क्या हो गया उसके अकॉर्डिंग फोर नवंबर का कोड हो गया हमारा फोर सेंचुरी का कोड है जीरो क्योंकि नाइनटीन सेंचुरी है ईयर है हमारे पास नाइन्टी एज इट इज़ लिख देंगे फिर 94 को चार से डिवाइड करके क्वेश्चन पार्ट लिखेंगे तो 94 को चार से डिवाइड करेंगे एंड क्वेश्चन पार्ट लिखेंगे क्या बच रहा कोई मतलब नहीं मैं पार्ट से मतलब है ठीक है अब तरीका वही रिश्ता वही सोच नहीं बस निकालते हैं सेवन थ्री झा ट्वेंटी वन रिमाइंडर बचा हमारे पास पांच ये तो डिवाइड होगा नहीं तो यहाँ पे चार लिखेंगे पे जीरो सेवन से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर निकालना है सेवन वन झा सेवन ठीक है चलो ऐसे कर लो सेवन वन झा सेवन आया ट्वेंटी पास थ्री थ्री बचा हमारे पास यहां पे आ गया हमारे पास थ्री इसको सेवन से डिवाइड से किया सेवन थ्री झा ट्वेंटी रिमाइंडर बचा हमारे पास दो अब इन सबको ऐड कर लिया अब इनकी कोई जरूरत नहीं इनको हटा देते हैं अब इन सबको ऐड करके देखते हैं पांच और चार नौ जीरो नौ नौ और तीन नौ और पाँच मिलके कितने हो गए चौदह नौ और पाँच मिलके हो गए हमारे पास चौदह ठीक है आया कि नहीं जिन लोगों ने भी सेंचुरी का कोड छः लिया होगा उनका गलत आया याद करो मैंने बताया था ट्वेंटी सेंचुरी का कोड है छः नाइनटीन सेंचुरी का कोड है जीरो शुरुआत में बताया था शुरुआत में बताया था पाँच चार नौ नौ और सॉरी पाँच और पाँच दस और चार मिलके हो गया चौदह चौदह को सात से भाग दिया रिमाइंडर निकाला जीरो जीरो अगेन स्टैंड्स फॉर सैटरडे जीरो अगेन स्टैंड फॉर सैटरडे आंसर आ गया सैटरडे आंसर आ गया हमारा सैटरडे ठीक है जीरो का मतलब फिर से होता है सैटरडे सैटरडे विल बी द राइट आंसर सैटरडे होगा सही जवाब जी सैटरडे होगा आपके सवाल का सही आंसर ठीक है सैटरडे विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन क्लियर है हंड्रेड परसेंट क्लियर है सबको सैटरडे होगा आपके सवाल का सही जवाब चलिए ये तो हो गए हमारे सीजीएल के क्वेश्चन अब सीजीएल में आपके सिर्फ तीन सवाल पूछे गए थे लेकिन सी एच में भी आपसे कुछ सवाल पूछे गए थे तो वो सवाल भी आइए देख लेते हैं सी एच एस एल में भी आपसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए थे वो भी आइए देखते हैं एंड शुरू करते हैं सी एच एस एल के सवालों के साथ ठीक है चलिए आइए देखते हैं यहां पे। अब ये क्वेश्चन करना आपके लिए कंपेरेटिवली ईजियर होगा क्योंकि ईजी ये ईजी क्वेश्चन हैं, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन ये दीज क्वेश्चन आर वेरी इजी आंसर करिएगा 21 जून 2007 को थर्सडे 21 जून 2011 को क्या पड़ेगा बहुत आसान सवाल। ये का सवाल का आपके पूरे पूरे में में सिर्फ सिर्फ तो तो आठ के बाद नौ उसके बाद दस उसके बाद ग्यारह तो सात आपका नॉर्मल ईयर है आठ तक जाओगे प्लस वन लेकिन आठ आपका लीप ईयर है लीप ईयर है, है तो यहां से प्लस टू करोगे यहां से फिर से प्लस वन करोगे यहां पे फिर से प्लस वन करोगे सात से आठ का एक जोड़ा आठ से नौ जाने में नौ से दस जाने में एक दस से ग्यारह जाने में फिर से एक जोड़ा कितना जोड़ा दो तीन चार और पांच पांच ऐड किया प्लस फाइव तो हम थर्सडे में प्लस फाइव करेंगे थर्सडे में प्लस फाइव करिए आई चाहिए थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे प्लस फाइव की आंसर क्या आया ट्यूसडे आया ऑप्शन नंबर डी ट्यूसडे इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर वेंसडे आंसर कर रहे हैं कुछ मंडे आंसर कर रहे हैं बेटा Wednesday और मंडे का सवाल ही नहीं पैदा होता ना और के बीच में कितने साल है आठ नौ दस ग्यारह साल तो ये हो गए और इसमें भी हमने देखा, इसमें भी भी हमने हमने देखा देखा क्या है इसमें भी हम अगर कॉन्सेप्ट लगाए जो आ, अगर हम वै, वैसा कॉन्सेप्ट लगाए अच्छा एक और चीज समझना सात से ग्यारह कितने साल है चार साल है चार साल है चार साल में चार और डेज तो होंगे ही फिर वही कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएं कि जो ईयर है उसको चार से डिवाइड करके क्वेश्चन पार्ट निकालो ताकि नंबर ऑफ लीप ईयर समझ में आ जाए वन तो फोर प्लस वन यानी कि फाइव तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं वो तो मैंने आपको डिटेल में समझाया अदरवाइज टोटल चार साल है हमारे पास अगर टोटल इसके बीच में पांच साल होते तो पांच ऑट डेज होते और फिर हम क्या करते पांच को चार से भाग देके फिर क्वेश्चन पार्ट लिखते यानी कि हम लिखते यहाँ पे वन आया तो हमारे पास टोटल ऑट डेज कितने हो जाते हैं हमारे पास छ हो जाते टोटल ऑट डेज है ना तो ये हमारा चलता है ये हमारा चलता है ठीक है लेकिन मैंने आज कुछ आपको जो तरीका बताया वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था वो खुद से समझ में आ रहा था तीन मार्च 2020 को अगर ट्यूसडे है तो तीन फरवरी 2019 को कौन सा दिन रहा होगा ये बहुत अच्छा सवाल है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तीन फरवरी 2019 याद रखिएगा 2020 और 2019 को देख के कि ईयर एंड नॉन लीप ईयर का भी कॉन्सेप्ट लगता है है ना ये भी याद रखिएगा जरूर याद रखिएगा चलिए करें तीन मार्च 2020 को ट्यूसडे था हमारे पास दो तरीके या तो हम सीधी पटरी पकड़े या तो उल्टी पकड़ी पक, प, प, मतलब उल्टी पटरी पकड़े आइए तीन मार्च 2020 को अगर ट्यूसडे है पूछा क्या गया है तीन फरवरी 2019. अब क्या हम कर सकते हैं या तो हम तीन मार्च 2020 2019 जाएं, फिर उसमें से दोनों के बीच में महीनों में कितना गैप है ये पता करें या तो हम यहीं से तीन मार्च चले जाएं, ठीक है तो आइए दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना लेंगे आंसर सही आएगा तीन मार्च 2020 ट्यूसडे, तो तीन फरवरी पहले 2020 निकाल लेते हैं तीन फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा हफ्ते का फिर तीन फरवरी से तीन फरवरी 2020 से तीन फरवरी 2019 निकाल लेंगे ठीक है क्लियर है चलिए आइए अगर ये हमारा ट्यूसडे है एक साल मतलब एक महीने पहले पूछा गया है तो मार्च के कितने दिन हम ले रहे हैं समझना मार्च के हम कितने दिन ले रहे हैं मार्च के हम ले रहे हैं तीन दिन और फरवरी कौन से फरवरी तक जाना है तीन फरवरी तक साल है 2020 बेटा 29 दिन की फरवरी होगी अगर तीन हम निकाल दे रहे हैं तो हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं 26 तो टोटल मिला के आ गए हमारे पास 29 ऑट डेज 29 को सात से डिवाइड करेंगे अगर तो कितना आएगा हमारे पास ऑट डेज सेवन फोरजा ट्वेंटी रिमाइंडर बचा वन टोटल ऑड डेज आ गए हमारे पास वन टोटल ऑड डेज आ गए हमारे पास वन तो हमने क्या देखा तीन फरवरी दो हमने क्या देखा आ गया हमारे पास ट्यूसडे में से माइनस वन करेंगे हमने देखा तीन फरवरी 2020 में ही है अभी हम 2020 में ट्यूसडे माइनस वन बोले तो मंडे पड़ा था ठीक है अब निकालना क्या है तीन फरवरी 2019 हजार उन्नीस तीन फरवरी दो हजार उन्नीस हम पीछे आएंगे हम फरवरी थे हम तीन फरवरी में थे हम आएंगे फरवरी से जनवरी फिर दिसंबर फिर नवंबर तो 2020 में जो दो लीप ईयर होते हैं दो मतलब दो एक्स्ट्रा डेज होते हैं उसका कॉन्सेप्ट ना लगाना यहां पे, क्योंकि हम 29 फरवरी हम आगे बढ़ रहे होते मान लीजिए 3 फरवरी 2020 के बाद हम 3 फरवरी 2021 जा रहे होते तब हम प्लस टू करते क्योंकि फरवरी के बाद के महीने में हम जा रहे हैं यहाँ हम फरवरी से पहले जा रहे हैं 29 फरवरी नहीं पड़ रही है 3 फरवरी से पहले पड़ेगी 2 फरवरी फिर 1 फरवरी उससे पहले आपका पड़ेगा फिर हमारा पड़ेगा इकतीस जनवरी फिर तीस एंड सो ऑन बैकवर्ड जा रहे हैं तो यहां पे हमारे पास एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे वन एक्स्ट्रा डेज होंगे हमारे पास वन ठीक है ओनली वन एक्स्ट्रा डे तो मंडे माइनस करेंगे हमारा आंसर आएगा संडे मंडे माइनस वन करेंगे हमारा आंसर आएगा संडे सैटरडे गलती से भी कोई आंसर मत करना ऑप्शन नंबर ए संडे इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संडे इज द करेक्ट आंसर ये आपका सी एच एस एल दो हजार इक्कीस चलिए आइए सेम उसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन फरवरी के महीनों को लेकर कुछ ज्यादा ही फोकस किया जाता है दो हजार सत्रह में अगर ट्यूजडे था तो अट्ठाईस फरवरी दो हजार उन्नीस में कौन सा दिन होगा बताइए अट्ठाईस फरवरी दो हजार उन्नीस में कौन सा दिन होगा इट्स वेरी सिंपल आप देखो ना बेटा सत्रह के बाद अट्ठारह अट्ठारह के बाद उन्नीस सत्रह में अगर ट्यूजडे है तो सत्रह से अट्ठारह जाओगे प्लस वन यानी कि वेंसडे अट्ठारह से उन्नीस जाओगे प्लस और वन ट्यूजडे में दो ऐड करेंगे यानी कि थर्सडे ट्यूजडे में दो ऐड करेंगे यानी कि थर्सडे ऑप्शन नंबर डी थर्सडे इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी थर्सडे इज द करेक्ट आंसर ठीक है डी थर्सडे होगा आपके सवाल का सही जवाब ठीक है थर्सडे होगा यहाँ पे सैटरडे कह रहे हैं सैटरडे कह रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं हम सत्रह से उन्नीस तक जा रहे हैं दो हजार सत्रह से दो हजार उन्नीस तक तो दो ही साल तो एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं ना सिर्फ दो साल एक अट्ठारह एक उन्नीस दोनों के दोनों ही नॉन लीपियर है तो कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे सिर्फ दो एक्स्ट्रा डेज सिर्फ दो एक्स्ट्रा डेज बोले तो ट्यूजडे में दो एड करेंगे वेंसडे एंड थर्सडे क्या आंसर आएगा थर्सडे आंसर आएगा थर्सडे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी थर्सडे इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे 9 अप्रैल 2023 को अगर फ्राइडे है तो 30 अप्रैल 2023 को क्या होगा 9 अप्रैल 2023 फ्राइडे 30 अप्रैल 2023 तो ये तो बहुत आसान है ये तो वैसे ही जैसे मुंह जबानी निकालते हैं आप समझ समझना 9 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में कितने दिन है या तो ऐसे निकाल लो या तो और आसान तरीका बता दो नौ को फ्राइडे है ठीक है नौ में सात जोड़ो यानी कि आपका सोलह तारीख को फिर से फ्राइडे होगा ठीक है फिर से इसमें सात जोड़ो यानी कि तेईस तारीख को आपका फिर से फ्राइडे होगा फिर से इसमें सात जोड़ो बोले तो तीस तारीख को फिर से आपका फ्राइडे पड़ेगा तीस तारीख को फिर से आपका फ्राइडे पड़ेगा जैसे कि हमें क्या निकालना होता है आज हमारे पास दस तारीख है दस तारीख को मंडे हम बोलते हैं और अगला मंडे कब पड़ेगा दस प्लस सात कर लेते हैं अगला मंडे सत्रह उसके अगला मंडे चौबीस उसका अगले मंडे आपका पड़ेगा इकत्तीस तारीख को ठीक है करते हैं इकतीस का महीना होता है इकत्तीस जुलाई को पड़ेगा ऐसे करके हम करते हैं करते हैं ना तो वही चीज तो यहाँ पे थी सेम मंथ का दे रखा था सेम मंथ साथ, साथ करके जोड़ लो जो देसी तरीका होता है जैसे घर में बैठे होते हैं ना बोलते हैं हाँ सत्ताईस तारीख को हमारी एनिवर्सरी है पापा लोग बोलते हैं हम बोलते हैं हाँ हर हाँ, रुको सत्ताईस को कौन सा दिन पड़ेगा अगर आज दस है तो दस को ऐसे 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 करके तो वो देसी तरीका है बहुत देसी तरीका था आप आंसर निकाल सकते थे फ्राइडे इज द राइट आंसर एकदम शुद्ध देसी तरीके से आंसर निकाल सकते थे चलिए 20 जुलाई 2021 को ट्यूसडे 28 नवंबर 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा ये टाइप टू के सवाल है जैसे मैंने बताया था आपको टाइप 2 के सवाल हैं जैसे मैंने बताया था आपको ठीक है ठीक है टाइप 2 के सवाल हैं जैसे बताया था मैंने आपको 20 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में कितने दिन हैं इनको गिन लेते हैं आइए 20 जुलाई मैंने क्या बोला जुलाई के टोटल कितने दिन होते हैं 31 दिन होते हैं लेकिन 20 तो निकल गए भाई 20 तो निकल गए ना तो बचे कितने 11 जुलाई के बाद आता है अगस्त हमें जाना है नवंबर तक पूरा अगस्त लेंगे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर नवंबर में कहाँ तक जाना है अट्ठाईस नवंबर तक नवंबर में ने जाना है अट्ठाईस नवंबर तक अगस्त तो होता है इकतीस सितंबर तीस दिन का महीना होता है अक्टूबर आपका इकतीस दिन का महीना होता है फिर से सब में ऑर्डेज निकाल लेंगे सात से भाग देके के यहाँ वन आएगा यहाँ सात को भाग देंगे सात चौके अट्ठाइस रिमाइंडर बचा तीन सात चौके अट्ठाइस रिमाइंडर बचा दो यहाँ पे फिर से रिमाइंडर बचेगा आपका तीन और यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा जीरो ऐड कर लीजिए तीन तीन छः एक सात और दो हो गए नौ नौ हो गए नौ एक्स्ट्रा डेज रिमाइंडर कितना बचा रिमाइंडर बचा हमारे पास टू रिमाइंडर बचा टू तू। तो ट्यूसडे था ना बेटा तो ट्यूसडे में टू ऐड कर दीजिए वेंसडे एंड थर्सडे क्या आएगा आंसर आपका थर्सडे आएगा ऑप्शन नंबर 2021 था थर्सडे विल बी द ट्यूसडे के बाद यही तो था ना यार 20 जुलाई रुको कुछ गड़बड़ किया गया मैंने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर तो आंसर आपका कितना आना चाहिए नवंबर में या तो एडिशन में गड़बड़ी हुई है ओके सॉरी जुलाई में हमारे पास 11 दिन बचे 21 में से 20 चले गए 11 दिन बचे ना इसको सात से भाग देंगे चार आएगा रिमाइंडर ओके सात चार और तीन सात सात और तीन दस और दो मिलके हो गए बारह तो टोटल तो ऑट डेज हमारे पास बारह हैं मैंने वन लिख दिया था बारह डिवाइड बाय सात रिमाइंडर बचा हमारे पास पांच पांच ऐड करना तो ट्यूजडे में पांच ऐड करिए ट्यूजडे में पांच ऐड करेंगे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे आंसर आएगा संडे ऑप्शन नंबर डी संडे इज द राइट आंसर डी संडे इज द राइट आंसर हाँ जी इलेवन होगा वहां मैंने वन लिख दिया था गलती से इलेवन विल बी द राइट आंसर ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा संडे ऑप्शन नंबर डी संडे इज द राइट आंसर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं अच्छा लग रहा है मजा आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्लियर हो रहे हैं मजा आ रही है अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ठीक है चलिए एक और सवाल पे चलते हैं अगर व्यान की बर्थडे 9 मार्च 2022 है फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑफ दैट डे मतलब आपसे बोला है 9 मार्च 2002। 9 मार्च 2002 को हफ्ते का कौन सा दिन पड़ेगा ये बताना है ये भी आपसे पूछ लिया तो सी वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने कहा भाई सी पूछेगा तो हम भी पूछेंगे ठीक है उसने का सीजल पूछेगा तो हम भी पूछेंगे सिंपल सी बात है उसने पूछ लिया वन थर्टी मैं अलग अलग से डिवाइड करके और डेज निकालना प्रेफर करती हूँ क्योंकि ओवरऑल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरे हिसाब से मुझे फील ऐसा होता है और हो सकता है मेरे साथ ऐसा होता हो कि मैं जब भी टोटल करके करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ आंसर आता है अलग अलग से करने में मुझे गड़बड़ आंसर नहीं लगता कभी भी आइए देखते हैं नौ मार्च दो हजार दो कम ऑन ईजी डेट यार इट्स अ वेरी इजी डेट क्योंकि 2002 है ना अब क्या करना है डेट हमारे पास है नौ डेट है नौ मंथ है मार्च मार्च होता है तीसरा महीना जनवरी फरवरी मार्च तीसरा महीना होता, होता, होता है हमारा कोड क्या होता है वन फोर 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 होता है हमारा मंथ का कोड फोर हो गया सेंचुरी का कोड है हमारा ट्वेंटी सेंचुरी है छ ईयर हमारे हैं दो और ईयर को चार से भाग देके क्वेश्चन पार्ट हम कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि दो ही ईयर है दो ही ईयर है भाई चार से डिवाइड हो गई नहीं तो यहां पे हो गई नहीं ईयर को, को डिवाइड चार से भाग करके क्वेश्चन पार्ट लिखने वाले पार्ट में हमारा कुछ नहीं आएगा अब इन सबको ऐड कर लीजिए छोटे नंबर्स हैं तो हम ऐड कर सकते हैं इनको छे और चार दस और नौ उन्नीस उन्नीस और दो हो गए इक्कीस इक्कीस डिवाइड बाई सात रिमाइंडर बचेगा हमारे पास जीरो जीरो बोले तो सैटरडे जीरो बोले तो सैटरडे ठीक थी, है ठीक है जीरो बोले तो सैटरडे यहाँ पे फ्राइडे क्यों आंसर कर रहे हैं Uh, सेंचुरी का कोड सिक्स है बेटा दो हजार दो है सेंचुरी का कोड हमारा सिक्स है सेंचुरी का कोड सिक्स है मंडे ट्यूसडे आंसर कर रहे हैं तो बहुत ईजी क्वेश्चन था या तो ईयर को चार से डिवाइड करके क्वेश्चन पार्ट भी नहीं लिखना था मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे सं मतलब सैटरडे आंसर ही नहीं कर रहे हैं सैटरडे सिर्फ शुभम राज का आंसर आया है उसके बाद शिवांगी का आंसर आया सैटरडे देन ममता का आंसर आया है सैटरडे एंड ओके अब आंसर आने शुरू हो रहे तन्नू एंड अभिषेक गुप्ता तब अब ऐसा आंसर आ रहे सैटरडे क्लियर हुआ ये डायरेक्ट डेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो अगर अगर डायरेक्ट डेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो सब लोग एक बार लाइक करिए वीडियो को एंड आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स मतलब अभी लाइव भले ही नहीं अटेंड कर रहे हैं लेकिन अगर वो ऑफलाइन भी देखेंगे ना ये वीडियो तो भी उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस वीडियो से तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू लाइक द वीडियो एंड क्लिक ऑन द शेयर बटन शेयर करिएगा सबसे सेंचुरी में गलत हुआ क्यों गलत हुआ ट्वेंटी सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी इट्स वेरी सिंपल ना इट्स वेरी सिंपल ना चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देख के आंसर करते हैं वही वाला सवाल एक जुलाई 2020 को मंडे है तो सॉरी ग्यारह जुलाई 2020 को मंडे है तो चौदह अक्टूबर दो को क्या होगा बताइए क्या हो सकता है ईपीएफओ के लिए भी मॉक टेस्ट भी लगवा दीजिए का पेपर तो जस्ट अभी हुआ है ईपीएफओ का पेपर तो जस्ट अभी हुआ है 11 जुलाई 2020 मंडे चौदह अक्टूबर दो हजार अट्ठाईस कौन सा दिन हाँ कुछ कुछ नहीं बहुत ज्यादा चेंज हुई आर्मी बॉय बहुत ज्यादा चेंज हुई है कितने बच्चे बीस जुलाई के बाद अगस्त सितंबर फिर अक्टूबर पूरा का पूरा अगस्त लिया इकतीस फिर सितंबर पूरा लिया तीस अक्टूबर में जाना था चौदह अक्टूबर तक अभी हम निकाल रहे हैं ग्यारह जुलाई दो हजार बीस से 14 अक्टूबर 2020 उसके बाद हम 2028 तक आएंगे याद रखिएगा 14 अक्टूबर 2028 पूछा गया है 2020 नहीं पहले हम 14 अक्टूबर 2020 तो निकाल लें तो हमने ये करके निकाला अब मेरा मेथड ये है कि मैं डिवाइड पहले कर लेती हूँ उसके बाद ऐड करती हूँ ठीक है तो मेरा मेथड ये है सेवन वन सेवन टू ज फोटीन रिमाइंडर बचेगा हमारे पास छः सात चौकी अट्ठाईस रिमाइंडर तीन यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा दो एंड यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा ज़ीरो तो छः तीन नौ और दो मिलके हो गए ग्यारह 11 को 7 से भाग देंगे रिमाइंडर निकालेंगे रिमाइंडर आएगा हमारे पास चार चार आएगा ग्यारह जुलाई को अगर मंडे था तो मंडे में चार जोड़ेंगे ट्यूजडे वेन्सडे थर्सडे एंड फ्राइडे मंडे में चार जोड़ेंगे कितना आंसर आएगा फ्राइडे आएगा तो 14 अक्टूबर 2020 को हमारा फ्राइडे था 14 अक्टूबर 2020 को हमारा फ्राइडे था क्या था फ्राइडे था बोलो था कि नहीं था क्लियर हुआ कि नहीं बोलो जुलाई में 11 दिन निकल गए 31 में से 20 दिन बचे अगस्त पूरा 31 का सितंबर 30 का महीना अक्टूबर 14 14 अक्टूबर तक जाना था सिर्फ डिवाइड किया सात दूनी 14 रिमाइंडर बचा चार सेवन फोर सेवन फोरज ट्वेंटी एट रिमाइंडर तीन यहां पर रिमाइंडर दो यहां पर रिमाइंडर जीरो ठीक है छह तीन नौ दो ग्यारह ग्यारह को सात से भाग दिया चार चार ऐड कर देंगे मंडे में ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे क्या आंसर आ गया फ्राइडे आ गया आ गया आंसर फ्राइडे फ्राइडे आ गया आंसर चलिए हमने क्या निकाला स्टेप वन हमारा डन हो गया कि 14 अक्टूबर 2020, 14 अक्टूबर 2020 को क्या था आपका फ्राइडे था जाना था 2028 तक अब करने का तरीका पहला वाला तरीका अपना लो 21, 22, 23, 24, 25, 26, फिर 27 और फिर 28, या तो यह तरीका अपनाइए यह तरीका अगर अपनाते हैं 21, अब देखना बेटा 2020 हमारा लीप ईयर जरूर है लेकिन अक्टूबर तक आ गए ना लीप ईयर का महत्व होता है फरवरी में फरवरी क्रॉस करके हम अक्टूबर तक आ गए तो यहां पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक एक डे 21 से 22 में एक 22 से 23 में एक 23 से 24 में एक लेकिन 24 हमारा लीप ईयर है 24 हमारा लीप ईयर है तो 24 में, में हम नहीं लेंगे चौबीस में हम एक नहीं दो डे लेंगे पच्चीस से छब्बीस में एक छब्बीस सत्ताईस में एक सत्ताईस से अट्ठाईस अब एक बात समझिएगा चौदह अक्टूबर दो से चौदह अक्टूबर दो तक अगर हम जाएंगे ठीक है तो हमारा 2027 के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर फिर 2027 खत्म फिर जनवरी और फरवरी भी पड़ेगा फरवरी 2028 की 28 की फरवरी यानी कि हमारा क्या है 2028 एक लीप ईयर है लीप ईयर की फरवरी इंक्लूड हो गई यानी कि यहां पे अब जब हम करेंगे तो प्लस टू करेंगे यहां पे अब जब हम करेंगे तो प्लस टू करेंगे ठीक है प्लस टू करेंगे हमारे पास कितने टोटल डे कितने आ गए डेज हमारे पास दो दो चार पांच छः सात आठ नौ दस दस आए हमारे पास दस आए दस को सात से भाग दिया रिमाइंडर बचा हमारे पास तीन रिमाइंडर बचा तीन ठीक है रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है <laughs> चलिए रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है तीन हमारे पास फ्राइडे था फ्राइडे में तीन ऐड करेंगे सैटरडे संडे एंड मंडे क्या आंसर आएगा आंसर आएगा हमारे पास मंडे मंडे आंसर आएगा यस मंडे विल बी द राइट आंसर कुछ लोग संडे बोल रहे हैं कुछ लोग सैटरडे बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं आंसर विल बी मंडे अच्छा देखो एक बात मुझे बताओ 11 जुलाई से 14 अक्टूबर 2020 तक आना था हमारा दो स्टेप में सवाल था 11 जुलाई 2020 से पहले आना था 14 अक्टूबर 2020 तक पहला स्टेप तो क्लियर होगा ना ये आ गया होगा ना आंसर ये तो आंसर आ गया कि नहीं बताओ स्टेप वन हमारा क्लियर था स्टेप वन क्लियर था स्टेप टू हमारा था चौदह अक्टूबर 2022 से चौदह अक्टूबर 2028 तक आना स्टेप वन हमारा क्लियर था कि नहीं बताइए जितने लोगों का भी संडे आया ट्यूसडे आया सैटरडे आया ये बताओ स्टेप वन क्लियर था ये फ्राइडे आया था कि नहीं आया था बताइए बच्चे मुझे पहले तो ये बता दो फिर आप तभी देखो जब तक आप लोग मुझे अपनी समस्या नहीं बताओगे तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाऊंगी आप लोगों ने मुझे अपनी समस्या बताई कि मैम मुझे कैलेंडर में प्रॉब्लम हो रही है मैंने कहा ठीक है भैया आपके लिए कैलेंडर की क्लास लेके आते आपकी समस्या का समाधान मैंने किया आपके लिए कैलेंडर की क्लास लेके आई अब यहाँ पे अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो उसका भी समाधान मुझे क्लास में ही करना है ना बताइए बताइए यहाँ तक आया चौदह अक्टूबर दो हज़ार बीस तक आया फ्राइडे आया फ्राइडे बेटा ये जो बता रही हूँ ये ट्रिक से ही बता रही हूँ उंगली पे गिनना थोड़ी ना बता रही हूँ ठीक है आया आपका आगे आपका फ्राइडे आया ठीक है आगे आपका फ्राइडे चलो यहां से लेके अगर हम 14 अक्टूबर 2028 तक आते हैं तो मैंने आपको यहां पे क्या करके बताया 20 से 21 इक्कीस से 22 लेकिन ये बड़ा ही बच्चों वाला तरीका इतना तरीका आप एग्जाम में थोड़ी ना करेंगे आपको देखो 2020 से जाना था 2028 तक टोटल कितने दिन है टोटल कितने दिन है बताइए टोटल कितने साल है अट्ठाईस साल है अब अट्ठाईस साल हमारे पास टोटल कितने अट्ठाइस अब हर एक साल एटलीस्ट एक ऑड डे तो होगा हर एक साल एटलीस्ट एक ऑड डे अगर एक साल में एक ऑड डे तो अट्ठाईस साल में कितने ऑड डेज अट्ठाईस साल में हमारे पास सॉरी दो से दो आई एम सॉरी हमारे पास टोटल कितने ईयर थे दोनों के बीच में ईयर का गैप कितना था आठ तो आठ सालों में कम से कम आठ ऑड डेज तो होंगे कम से कम भाई ऑड डेज का क्या होता है हमारे पास नॉर्मल ईयर में होता है एक और लीप ईयर में होते हैं दो तो हर एक साल को अगर हम नॉर्मल ईयर मान के चलें तो हमारे पास आठ ऑड डेज तो आ ही रहे हैं लेकिन हर एक साल नॉर्मल ईयर तो होगा नहीं लीप ईयर भी होंगे तो अब आठ साल में कितने लीप ईयर हैं इसको हम निकालेंगे चार से डिवाइड करके क्वेश्चन पार्ट लेके फोर टू जा एट रिमाइंडर क्या रहा है उससे कोई मतलब नहीं हमारे पास दो दो लीप ईयर है तो आठ अलग से आए दो अलग से आए तो टोटल ऑट डेज इन दोनों के बीच में हो गए दस जो यहां पे मैंने ऐसे बताया एक दो तीन चार पैसे ऐसे करके बताया उसका आसान तरीका ये है भाई 2020 से 28 2020 से 2028 तक आठ साल है हर एक साल एक और डे होगा लेकिन इसमें कुछ लीप ईयर भी होंगे कितने लीप ईयर होंगे कैसे निकालेंगे ईयर को चार से भाग दे क्वेश्चन पार्ट लिख लेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास दो तो आठ प्लस दो दस आ गया अब हमने रिमाइंडर निकाल लिया दस को सात से भाग देके के दस को सात से भाग देके रिमाइंडर निकाला तीन तो हमने क्या कर दिया हमने कर दिया फ्राइडे प्लस तीन फ्राइडे प्लस तीन किया मंडे आ गया फ्राइडे प्लस तीन किया तो मंडे आ गया जीरो आया तो मंडे को सैटरडे कर दिया uh, गलत किया ना गलत किया ना वो तो डायरेक्ट डेट वाले कॉन्सेप्ट में लगता है वो तो डायरेक्ट डेट वाले कॉन्सेप्ट में लगता है ना अलग अलग कॉन्सेप्ट है दोनों यहां पे हमें टोटल डेज निकाल के करना था जो आपको कोड्स बताए थे मैंने जो कोड्स बताए थे आपको मैंने ना वो सारे के सारे कोड ना बेटा सारे कोड चाहे आपका ये हो आपका ये वाला पूरा तरीका ये आपके डेज के कोड लगते हैं जब डायरेक्टली डेट निकालनी होती है ठीक है मंथ के कोड भी तभी लगते हैं सेंचुरी के कोड भी तभी, तभी लगते हैं सब आपका लगता है अब यहाँ पे यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता दूँ एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रही हूं आप लोगों के लिए जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराए इसी तरीके से पंद्रह क्वेश्चन की एक कंप्लीट पी मैं एक मैं क्लास खत्म होने के दस मिनट के अंदर अपलोड करने जा रही हूं अपने टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल चैनल स्वप्न पे पे ये है मेरे का नाम तो आपसे आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना तुरंत के तुरंत ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और अभी ठीक दस मिनट के अंदर आपको कैलेंडर की प्रैक्टिस क्वेश्चन की और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉरी पीवाई क्यूज की कैलेंडर के पीवाई क्यूज की कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी यहाँ पे मैंने आपको लगभग 10 सवाल कराए हैं और इसके अलावा 10 से 15 सवाल आपको मैं होमवर्क में दूंगी और सारे आपके पीवाई क्यूज होंगे सब में पी... सारे पी क्यूज होंगे सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है ठीक तो है तो कमेंट सेक्शन में बता दो टेलीग्राम चैनल सब लोग ज्वाइन कर रहे हो ना कर रहे हो ना टेलीग्राम चैनल सब लोग ज्वाइन कौन कौन स्टूडेंट है जो ज्वाइन कर रहा है मेरा टेलीग्राम चैनल तुरंत सो अपने ले जा रहे टेलीग्राम चैनल का नाम तुरंत के तुरंत ज्वाइन करिए सारे स्टूडेंट तुरंत ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल तुरंत ठीक है कौन कौन ज्वाइन कर रहा है तुरंत तो बताइए सब लोग बताइए एक बार क्विकली मैम डायरेक्ट डेट इसमें नहीं यूज हो सकता डायरेक्ट डेट देखिए वी आर नॉट श्योर अबाउट इट जरूरी नहीं है कि जो आपको रेफरेंस डेट दी हो वो सही है जैसे कि जरूरी नहीं है कि अगर आपसे क्वेश्चन में बोला है कि 21 जून 2010 को थर्सडे था तो 21 जून 2010 को थर्सडे ही हो, हो सकता है इन्होंने एक इमेजिनरी डेट दे दी हो ठीक है ऑलरेडी ज्वाइन पहले से है पहले से है किया है ओके okay. कर रहे हैं सब लोग बहुत बढ़िया किसी को अगर टेलीग्राम ना मिले तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ठीक है टेलीग्राम का लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया बाकी नाम मैंने आपको बता दिया स्वप्न तो ले जी यार ठीक है सो मुलाकात करेंगे हम कल फिर से अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे लगातार इंक्वायरी कर रहे थे कोर्सेज के लिए तो मैं आपको बता दे रही हूं कि हम लोगों के फुल रीजनिंग प्रिपरेशन कोर्स है आपके फॉर एसएससी एग्जामिनेशन फुल रीजनिंग प्रिपरेशन कोर्स है हमारे पास कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है नाइन हंड्रेड नाइन यानी कि एक हजार का कोर्स है वो अभी स्टार्टिंग प्राइस उसका अभी उसका लॉन्च प्राइस है सिर्फ 549 549 में आपको एक हजार रुपए वाला बैच साढ़े पांच सौ रुपए में मिल रहा है जो कि आपका बिगनर्स प्लस इंटरमीडिएट्स लेवल का है मतलब अगर आप बिगनर हो तो भी समझ में आएगा इंटरमीडिएट हो तो और मजा आ जाएगी आपको कंप्लीट प्रिपरेशन बैच है लाइव रीजनिंग प्रिपरेशन बैच कोर्स फॉर एस एस सी एग्जामिनेशन ऑल एस एस सी एग्जामिनेशन सीजीएलसी एच एस एल एम टी एस सीपीओ जी डी एंड दिल्ली पुलिस एंड टेनो सारे एस एग्जाम के लिए जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स मिलेंगे और आपको डेली बेसिस पे क्लास नोट्स भी मिलेंगे इस बैच के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं नंबर हमारे पास है एट डबल एट एट ये नंबर